हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। सो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो गैस है उसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है, उसका टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहिए जिससे जो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है वी आर एम एस, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? √3 kt/m। √3 kt/m क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, क्योंकि स्क्वायर होता है वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स का। ओके, सो यहाँ पे के क्या है? बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻²। टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है -50 डिग्री सेल्सियस में दिया है। अगर हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसे हम 273 से ऐड कर देंगे, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 223 केल्विन। और एम जो है वो है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इस वी आर एम एस को अगर हम ध्यान से देखें तो 3, k और m ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे। अगर हम सेम गैस को कंसिडर कर रहे हैं, टेम्परेचर सेम गैस का इंक्रीज कर रहे हैं, तो वी आर एम एस को हम देखें तो ये टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो v1/v2 is equal to √P1/T2। So T1 temperature है जो अभी currently -50 डिग्री सेल्सियस है, और T2 वो temperature है जो हमें increased temperature, जिसकी वजह से V2 क्या हो जाएगी? V1 + 3 times of V1 हो जाएगी, 3 times increase हो जाएगी, यानी 3 times V1 + V1। So ये क्या हो जाएगा? 4V1। तो इक्वेशन में पुट करते हैं V1/4V1 इज इक्वल टू √223 kelvin/T2। सो यहाँ से V1 से V1 कैंसिल हो गया, 1/16 इज इक्वल टू 223/T2। हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, फिर T2 इज इक्वल टू 223 × 16 केल्विन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3568 केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में लिखें तो हमें 3568 में से 273 को माइनस करना होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3295 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा T2 टेम्परेचर। सो T2 इज इक्वल टू 3295 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द टेम्परेचर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 3295 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।